जी, यहाँ से हमारे दूसरा उसका स्टार्ट करते हैं कि अब जो इतना भी हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन एक इफेक्टिव होनी चाहिए और ये सब चीज़ें हम उसको अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एप्लीकेशंस में आती है वो है हमारी जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है होम पेज। होम पेज के ऊपर क्या क्या मौजूद होता है हमारे पास? होम पेज के ऊपर न्यूज़ राइट का ऑप्शन होता है। इसके अलावा जो है जितनी भी फीचर्स वगैरह मौजूद हैं, जैसे अगर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहूँ तो उसके अंदर यहाँ पर जितने भी फॉन्ट स्टाइल है वो है, फॉन्ट साइज है वो है। इसके अलावा जो है नीचे की साइड पर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉपर केस है। तो ये सारे केसेस हमारे पास मौजूद है, हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, वॉट एवर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं पावर पॉइंट, सही है? नहीं, मैंने यहाँ पावर पॉइंट लिख दिया, सही है? नीचे की साइड पे मैं अपना नाम ही लिख देती हूँ, सही है, ताकि आप उनको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैंने अपना नाम बिल्कुल सिंपल स्टाइल के अंदर लिख दिया। उसके बाद अब मैं चाह रही हूँ कि ये मेरा जो है इसको मैं कुछ अच्छा सा फीचर्स वगैरह देना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सबसे ज़्यादा हमारे पास अच्छा जो स्टाइल है वो हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन ही है। ये एक बेसिकली प्रोफेशनल है तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट का आप साइज और ये सब देख रहे हैं कि ये किस तरीके का है। और अब जो है अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रही थी कि जो पावर पॉइंट का फॉन्ट साइज और ये सब है बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो नीचे मेरा नेम लिखा है इसका भी हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं पूरे इसको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंट पे जाऊँगी, प्रिंटर पे, और इसको सेलेक्ट किया तरीके से इसके ऊपर जब कर देंगे तो जो ऊपर पावर पॉइंट का था बेसिकली वही फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज वगैरह मेरे उसका भी नेम का या जिसका भी आप चाह रहे हैं हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि इसका फॉन्ट स्टाइल क्या था, इसका क्या था, और सेलेक्ट कर करके हम देखें कि उसके बाद हमें आइडिया हो। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन आता है। न्यू स्लाइड में हमारे पास स्लाइड के डिफरेंट टाइप्स हैं, सब कुछ है इसके अंदर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ मेंशन करती हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ पावर पॉइंट 2013 का वर्जन है, ठीक है, इतना। और उसके बाद हमारे पास जो ये चीज़ है ये यहाँ तक क्लियर है। फिर आ जाए हमारे पास ये बात फॉन्ट स्टाइल की आ गई। फॉन्ट साइज हम यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, सही है। उसके बाद ये बोल्ड का होता है, ये इटैलिक का होता है, ये अंडरलाइन का होता है, ये बेसिकली थोड़ा सा शेड देने के लिए या प्रोमिनेंट करने के लिए होता है, डोमिनेंट के लिए, सही। ये वाला है बेसिकली इसके अंदर जो ये ए भी दिख रहा है आपको, इसके अंदर हम अपने फोन को कितना दूर रखना है हम वो करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे अपना लूज रखना है कि अल्फाबेट में कितना स्पेस होना चाहिए ये वो मैनेज कर रहा होता है। ये जो ए वी का साइन आता है ना, इसके अंदर हम अल्फाबेट के दरमियान कितना गैप रखना चाहते हैं ये बेसिकली वो है, सही। उसके बाद आते हैं इसके ऊपर, ये सेंटेंस केस होता है कि सेंटेंस केस बेसिकली ग्रामेटिकल ये आपके पूरी लाइन को कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फुल स्टॉप के बाद का वर्ड जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए तो ये उसको वो करेगा। फिर लोअर केस की बात आती है तो लोअर केस में बेसिकली सारे ही जो होते हैं वो अल्फाबेट स्मॉल लेटर के अल्फाबेट के हो जाते हैं, अपर केस में सारे जैसे हो जाएंगे, सही। कैपिटलाइज ईच वर्ड में ये होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूँ यास्मीन फातिमा, सही। तो क्या करेगा ये जो वो है ये कैपिटलाइज ईच वर्ड को कर देगा, किसमें कन्वर्ट, लोअर केस था, सही। अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करूँ तो क्या करेगा, हर लेटर के पहले जो पूरी सेंटेंस के लेटर के पहला वाला वर्ड जो है अल्फाबेट को कैपिटल से कर देगा, सही। तो टॉप लॉक स्टाइल जो होता है इसके अंदर टॉप लॉक में डिफरेंट जो है आ जाते हैं, यानी इसके अंदर डिफरेंट यानी हर अल्फाबेट का कोई स्मॉल होगा कोई बड़ा होगा, इस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर ये वाला होता है इसके अंदर फॉन्ट कलर हम चेंज करते हैं, आपको फॉन्ट कलर जो भी रखना हो वो आप रख सकते हो, सही। फिर यहाँ आते हैं बुलेट्स, हमारे पास बुलेट्स हमारे पास ये सिंपल बुलेट्स होती हैं और यहाँ पे नंबर वाली अल्फाबेटिकल होती हैं जो मोस्टली एम सी क्यूज वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, सही।
उसके बाद ये जो आपके पास दिख रहा है ना, बेसिकली ये वाली साइन बोर्ड है कि इसके अंदर ना लाइन के बीच में स्पेस कितनी होनी चाहिए। अगर यहाँ दो लाइनें लिखी हुई होंगी, सही है, ये दो लाइनें लिखी हुई हैं, अब मैं इनके दरमियान कितना गैप चाह रही हूँ ये उसके लिए होगा, सही है, इन दोनों लाइन्स के दरमियान कितना गैप होना चाहिए उस हिसाब से इसको हम सेट कर दें, ठीक। उसके बाद तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स भी होते हैं, स्टाइल्स, कोई के स्टाइल्स में आ जाएंगे। तो बेसिकली जिस आप बॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ है उसका जो भी आप स्टाइल देना चाहें वो हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये स्टाइल का हो गया, वॉट एवर आपको जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, सही है। ये हमारे पास इंसर्ट के सारे आ गए, इंसर्ट के बाद सॉरी होम के, अब आते हैं हम इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के ऊपर आते हैं तो इंसर्ट में हमारे पास जो स्लाइड्स वगैरह हैं, मैं यहाँ पे भी न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, न्यू स्लाइड का इस वजह से दिया है कि आपको दोबारा होम पेज पे ना जाना पड़े, सही है। इसके अंदर टेबल का ऑप्शन आता है, टेबल आप जिस तरीके से भी बनाना चाहो जिस हिसाब से भी वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं एक्सेल की शीट, एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ से भी खुल जाती है। इसका बेसिकली बेसिक फंक्शन ये है कि एक्सेल की शीट हम इस वजह से यहाँ पे खोलते हैं क्योंकि हमें अक्सर जो है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ग्राफ डालने होते हैं। ग्राफ अगर हम एक्सेल शीट पे बनाएं और वहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लें अपने पावर पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे इशू ये आता है कि हम अपने ग्राफ को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, हम अपने ग्राफ को एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक्सेल स्प्रेडशीट खोल लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम अपने ग्राफ को इजीली एडिट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे उसके अंदर डाटा चेंजेस करने हैं तो मैं फॉरन कर सकती हूँ, लेकिन अगर नहीं करनी और अगर मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगी तो पहले मुझे एक्सेल पे जाना पड़ेगा, वहाँ सारी चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर वहाँ से उसका स्टाइल वगैरह, फॉर एग्जाम्पल बार चार्ट नहीं चाहिए था मुझे, पाइप चाहिए था, पाइप में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं लेकर आऊँगी, लेकिन यहाँ पर ईजिली मैं कर सकती हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आता है पिक्चर, इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन, यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर जो इंसर्ट करना चाहें वो हम इजीली कर सकते हैं किसी उससे भी रिलेटेड। यहाँ से मैंने पिक्चर इंसर्ट वगैरह कर दी, उसको मैं भी ले लेती हूँ पिक्चर ताकि इजीली समझ में आ जाए, सही। ये मैंने पिक्चर ली, उसको छोटा बड़ा जिस हिसाब से भी करना है मैंने करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा कोशिश करें कि इस साइड पर रखें, इस साइड पर प्रैक्टिस, यहाँ पर बुलेट्स आनी चाहिए इस स्पेस में और यहाँ पर हमारे पास हमारे कोई भी पिक्चर सेलेक्ट जो भी हम, अच्छा पिक्चर को हमेशा जो है या तो बॉर्डर कर दें कहीं ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए, या इस तरीके कोई भी शेड दे दें ताकि वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट आपको नजर आए, सही। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर शेप्स वगैरह, शेप्स में डिफरेंट शेप्स स्टाइल वगैरह आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एरो बनाना था इसको दिखाने के लिए, तो मैं एरो बना के इसको दिखा दूंगी ये अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दिख रहे हैं। अच्छा इन शेप्स को भी प्लीज़ हम चेंज कर सकते हैं, तो इनको भी मोर इफेक्टिव हम बना सकते हैं बहुत आराम से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दूँ सेट पे जाके, थोड़ा सा है ना अच्छा हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, डोमिनेट हो गया, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आएगा, यानी फिर भी किसी नहीं लगी तो इसी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन अच्छा आएगा लुक, सही। इंसर्ट में एक और ऑप्शन होता है स्मार्ट आर्ट का, सही है। स्मार्ट आर्ट में अक्सर हम लोगों को डिफरेंट टाइप की पायरामिड्स, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल्स वगैरह दिखाने होते हैं, रिलेशनशिप सिखाने होते हैं अपने उसके अंदर, तो हम यहाँ से इजीली कोई भी वगैरह सेलेक्ट करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे स्केच कैस्केड दिखानी है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, वापस हम इसके ऊपर आ जाते हैं, तो ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ईजीली प्लेस कर सकती हूँ, सही। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर अगर इसके अंदर रीसेट भी करना होगा तो मैं ईजीली यहाँ से लेकर और जो भी स्टाइल मुझे रखना है कुछ भी करना है तो वो यहाँ पे कर सकती हूँ, सही। शेप को एडिट यहाँ से कर सकते हैं इजीली, ऐड शेप भी कर सकते हैं बिफोर या आफ्टर, सही, जितने आपको शेप्स ऐड करने चाहें आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, सही। इस जगह पे जाकर यहाँ पे आपको आ जाएंगे, कोई भी शेप कोई भी स्टाइल वगैरह रखना हो तो आप यहाँ से रख सकते हो, सही। अब हम इसको कट कर देते हैं, ये एक आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्मार्ट आर्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर चार्ट्स वगैरह तो उसी में आ जाएंगे जो हम अपने ग्राफ्स वगैरह लगाएंगे। उसके बाद आते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एक खाली पेज ले लिया था, सही, ब्लैंक पेज बिल्कुल, तो यहाँ पर कोई भी मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स नहीं अवेलेबल था,
मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट बॉक्स में जाऊँगी, यहाँ पर इसको बनाकर और जो भी मुझे टाइप करना होगा मैं कर सकती हूँ, राइट। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक हमारे पास इंसर्ट मेम। और अच्छा दूसरी एक और सबसे मेन चीज़, हमारे पास फुटर और हेडर होते हैं। फुटर और हेडर का काम ही होता है जिस तरीके से हम अपने आपने आपसे नोट्स खरीदे होंगे, नोट्स पे क्या होता है कि बैक साइड के ऊपर पूरा जो पेज होता है उसके अंदर बिल्कुल लाइट सा या तो उस कोचिंग का नाम लिखा हुआ होगा या उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ होगा ताकि वो कॉपी पेस्ट कोई ना कर सके और उसके अंदर यानी प्लैगरिज्म वगैरह के और इन सब के चांसेस ना हो। तो क्या करते हैं, इसी वजह से हम उसके पीछे कोई भी वाटर मार्क वगैरह लगा देते हैं। इसी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए डेट टाइम वगैरह भी हम लगा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। ये कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, स्लाइड नंबर भी अच्छा लगेगा। फुटर क्या होता है, फुटर में आप कुछ भी लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट लिख देती हूँ, हमारी प्रेजेंटेशन ये है तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर सही है, तो मैं अप्लाई टू ऑल कर दूंगी तो ये सारी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। देख रहे नीचे की साइड पर डेट वगैरह सब मैंशन हो गया है, हर स्लाइड का नेम भी आएगा और उसकी 1, 2, 3 के कौन से नंबर की स्लाइड है वो सही है। उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन में हमारे पास आगे की साइड पे आती है वीडियो। वीडियो मेरे पास यहाँ मौजूद होगी, मैं आप लोगों को प्लेस करके दिखाती हूँ। जिस स्लाइड पे आप मौजूद होगी उसी स्लाइड के ऊपर चर या वीडियो लगेगी, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो है, मैं इसको प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। बल्कि इस वीडियो को ना हम प्रिसाइज़ राइट पर स्लाइड पे हम एक इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर ले आते हैं। ऐसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये रख दिया सही। फॉर एग्जांपल मैं जब अपनी प्रेजेंटेशन चलाऊंगी ना तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और ये चलने लगी, जब मैं क्लिक कर रही हूँ देन उसके बाद ये वीडियो चलेगी। इसके अंदर वॉइस नहीं है, इस वजह से वॉइस नहीं आ रही है सही। ये वीडियो यहाँ पे इजीली चल जाएगी आपके पास। इसको अपने हिसाब से सेट करना चाहें, बड़ा छोटा कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा और आपके उसके ऊपर स्लाइड पे ये चल जाएगी। जब आप कर्सर मूव करोगे तो ये आपके उसके ऊपर आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास ऑडियो के लिए भी है। ऑडियो यहाँ पर मेरे पीसी के अंदर अगर कोई मौजूद हुई तो ये देगा। वेट कोई भी नहीं नहीं ऑडियो सही। जब हम ऑडियो सेलेक्ट करेंगे, अच्छा यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल ये और ये ऑप्शन जो है हमारे पास इसके अंदर मौजूद है से, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ फिर मैं आपको ऑडियो बताती हूँ सही। ऑडियो में मैंने यहाँ पर गई ऑडियो के ऊपर, ऑडियो रिकॉर्डिंग की सही। अब मैं जितनी भी करना चाहूँगी यहाँ से क्लिक करूँगी और अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लूँगी सही है। वेट यहाँ पे मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी थोड़ी देर के लिए सही। जितनी मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी उतनी की मैंने, इसको बंद किया ओके रिकॉर्डिंग हो गई। अभी बीच में आ गया, अब मैं इसको जहाँ पे भी प्लेस करना चाहूँगी ना तो ये ईजिली प्लेस हो जाएगा। अब मैं जैसे अपनी प्रेजेंटेशन को खोलूँगी फ्रॉम द फर्स्ट साइड तो अब मैं इसको यहाँ से इसको चला लेंगे सही। जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन खोल के इसको चला रही हूँ यहाँ से मैं इसको कर लूँगी सही। यहाँ पे बात क्लियर है। यहाँ पर कुछ बच्चों ने पूछा था ना उस दिन कि ऑडियो किस तरीके से आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी और इसके ऊपर क्लिक करने से आप इजीली अपनी ऑडियो चला सकते हैं।